सब्सक्राइब कीजिए बुटवक जैट के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने बुटवक जैट के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जहीर। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ किचन के बारे में। अगर आपको किचन बनानी होती है, मॉडलर किचन, आपको जो बास्केट लगानी होती है किस तरीके से लगानी चाहिए, जो हमारे बास्केट के जो साइज़ होते हैं तो उसको किस हिसाब से लगाना चाहिए, जैसे आपके खाने हो गए, और हमारी जो चिमनी होती है जो मॉडलर किचन में जो हमारी चिमनी लगाई जाती है वो किस हिसाब से बनानी चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरी वीडियो के लास्ट तक आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिसमें कि आने वाली वीडियो में नोटिस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो पूरी प्रॉपर देखनी है, साइज़ के बारे में भी बताऊँगा मैं आपको, तो वीडियो में चलते हैं। तो ये देख सकते हैं किचन का, अगर आपको डिज़ाइन बनाना है किस तरीके से बनाना चाहिए। हमारे साइड में सिंगल डोर्स है और इसमें जो हमारे जैसे कब्जे लगा रखे हैं, कब्जे के बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो इसमें ये हमारे सॉफ्ट क्लोज कब्जे हैं, सॉफ्ट क्लोज लगा सकते हैं। ये अपने ऊपर नीचे आप इस गैप के हिसाब से साइज़ भी देख सकते हैं, आपको जो साइज़ छोड़ना होता है किस हिसाब से छोड़ना चाहिए। और ये अपना अपने जो लैमिनेट है इसमें वाइट कलर का, और हमारे जो कब्जे लगाए जाते हैं इसमें ऊपर का जो खाना बनाया जाता है बड़ा बनाया जाता है, और छोटा आप नीचे का बना सकते हैं, अपना इसमें पार्टीशन में दे सकते हैं। सामान के हिसाब से आपको साइज़ रखना ज़रूरी होता है। और अपना इसमें जो बनाने हैं, ये हाइड्रोलिक लग रहे हैं हमारे, हाइड्रोलिक पंप ये कब्जे, तो इसमें आपको 8 डिग्री का लगाया जाता है। और ऊपर वाले में जैसे आपका हाफ टक्कर पर आता है तो उसमें 8 डिग्री का लगाया जाता है, और आपका जैसे फुल टक्कर पर आता है तो उसमें 0 डिग्री। ये देख सकते हैं चिमनी के ऊपर, अगर आपको जैसे चिमनी के ऊपर जो हमारे पाइप को छुपाने के लिए इस तरीके से डोर्स लगा सकते हैं, और इसके अंदर अपना पाइप चला जाता है। ऊपर वाला जो बेस था हमारा, इसमें अपना जो बीम आ रहा था, तो इसकी वजह से मैं ये दिखा देता हूँ आपको, तो इसकी वजह से जो हमारा इसमें ऊपर पिलर था तो उसको बंद करने के लिए जगह कम थी, तो ऊपर हमारा खाना भी नहीं बनता, जो हमारा ऊपर का बॉक्स था वो भी नहीं बन पाता, तो प्लाई बोर्ड इसमें ख़राब ही होता, तो उसकी वजह से आप इस तरीके से बंद कर सकते हैं और अपनी पाइप की जगह उसको लॉक कर सकते हैं, जो हमारा पाइप है उसके अंदर डाल के बाहर से आप इस तरीके से डोर्स लगा सकते हैं। तो ये हमारा सेंसर वाली चिमनी है, ये देख सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक जो हमारी होती है तो चालू हो जाती है, ऑटोमेटिक ही बंद हो जाती है, जैसे आप ऊपर से हाथ से बंद जैसे फेरते तो ऊपर, तो इस तरीके से बंद हो जाता है ये सेंसर वाली है चिमनी। और उसके बाद अपना नीचे ये देख सकते हैं, हमने यहाँ पर भी टक्कर पर भी टेप लगा रखी है, तो टेप लगा सकते हैं आप इसमें, और अपना नीचे जैसे आपको छोटा सामान रखने के लिए इस तरीके से बॉक्स बना सकते हैं। ये हाइड्रोलिक है जो इसमें पंप लगा रखे हैं, ये देख सकते हैं सोकर, और ये कब्जे, और अपना इसमें जो आपको जो जैसे खाना छोड़ना होता है तो इसके हिसाब से आपका जो साइज़ होना चाहिए, तो इसमें जो हमारा साइज़ छोड़ा जाता है, जैसे आपका 20 इंची हो गया, अपना 30 इंची, इस तरीके से साइज़ छोड़े जाते हैं, ये अपना उसी हिसाब से इसमें डिज़ाइन दे रखा। तो इसमें जैसे हमारा दूसरा था दूसरे खाने, वैसे ही सेम इसमें डिज़ाइन दे रखा, और बाहर से हाई ग्लोस लैमिनेट है, ऊपर वाले बॉक्स अपने जितनी आपको ज़रूरत होती है खाने उस तरीके से बना सकते हैं, जैसे बड़े सामान रखने के लिए ऊपर अपना बड़ा खाना दे सकते हैं, छोटे सामान के लिए छोटा नीचे बना सकते हैं। इसकी जो गहराई रखी जाती है ऊपर वाले बॉक्स की, तो 12 इंची या 14 इंची, इस तरीके से बनाए जाते हैं। और हमारे ये नीचे वाला ये अपना देख रहे हैं टक्करों पर टेप है, अगर आपको इसमें सेम कलर नहीं मिलता टेप का तो आप लैमिनेट लगा सकते हैं, नीचे से भी लैमिनेट है, चारों तरफ से लैमिनेट लगती है किचन के अंदर, जो हमारी किचन होती है नीचे का ही अपना, जैसे आपको खाना छोड़ना तो इस तरीके से अपना जैसे सिलेंडर के लिए जगह बनानी है या हमारा, तो उसी तरीके से इसमें इसमें भी वाइट कलर का लैमिनेट है अंदर की साइड, और बाहर से भी हमारा लैमिनेट लगा रखा, तो ये अपना देख सकते हैं, और टक्करों पर टेप है। तो इसमें जैसे आपको खाना उसी हिसाब से, ये पाइप की जगह हमने पीछे से दे रखी है, इसमें जो हमारा पाइप होता है गैस के लिए उसको आप पीछे से ही अपना पाइप बना सकते हैं, पाइप के लिए जगह। और आटे के लिए जैसे आटा या आपको बड़ा खाना छोड़ना होता है तो जो हमारे आटे के ड्रम होता है तो बार बार वो निकालते नहीं है, कुछ जगह ऐसा होता है, तो उस तरीके से इसमें बाहर हमारे जो अंदर की साइड है लैमिनेट वाइट और टक्कर पर टेप। तो इसमें जो आपको फिनिशिंग देनी है टेप की, तो उसी तरीके से देनी है, इसमें गैप नहीं रहना चाहिए। हमारा जो खाना बनाया जाता है, जैसे आपको कटलरी ग्लास के लिए बनाना है तो उसके हिसाब से अपना साइज़ छोड़ सकते हैं। ऊपर हमारी 4 इंची की बास्केट लगती है, नीचे अपनी 6 इंची की लगती है बड़े बर्तनों के हिसाब से, और टेलीस्कोप चैनल लग रही है, ये वायर वाली बास्केट है। अगर आपको बनानी वायर वाली बास्केट तो इसमें हमारा जो प्राइस है, ये अंदर से पत्ती लगती है इसमें इस तरीके से, अगर आपको लगानी है पत्ती इस तरीके से लगती है, जो हमारा डोर ये जो ढक्कन होता है, जो हमारा ऊपर का फ्रंट होता है मत्था, आपकी भाषा में जो भी बोलते हो जिसको मत्था फ्रंट बोलते हैं, तो ये हमारा इधर उधर नहीं होना चाहिए, उस तरीके से आपको ये पत्ती लगानी होती है जो हमारा इधर उधर सरकने, तो इस तरीके से बना सकते हैं। ऊपर का आपका जो बास्केट है 4 इंची 6 इंची 8 इंची, इस तरीके से बास्केट आती है इसमें। तो कटलरी ये है हमारी साइड में, तो कटलरी आपको जो ऊपर की जो बास्केट होती है तो लेबल आपको एक जैसा देना होता है जो हमारा होता है, तो इसमें बास्केट एक जैसी दिखनी चाहिए और जो इसकी ग्रुपिंग है वो बराबर आनी चाहिए एक जैसी। ये अपने टकरों पर भी टेप है इसमें,
और आप इसमें फिनिशिंग देख सकते हैं किचन की, आप जो बनानी है आपको इस तरीके से जो हमारी फिनिशिंग होती है, फिनिशिंग अच्छी है। अगर आपको जैसे बनानी है तो ये जैसे प्लेटों के लिए अपना जो हमारी बास्केट होती है तो इस तरीके से लगाई जाती है। नीचे वाला जो मत्था दिया जाता है 14 इंची, 8 इंची और 7 इंची, इस तरीके से हमारे जो फ्रंट के जो मत्थे होते हैं इस तरीके से बनाए जाते हैं। अगर आपको बनाने जैसे आपकी हाइट होती है तो उसके हिसाब से भी अपना साइज़ रखना ज़रूरी होता है। इसमें हमारे बड़े बर्तनों के लिए आप इसमें कोने लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो 3 इंची कब्जे लगा रखे हैं जिसमें कि आप इसमें जो हमारा टट्टू कब्जा होता है उसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 3 इंची में आप इस तरीके से बना सकते हैं। प्लाउट अगर आपको लगाना है तो प्लाउट हमारा 8 इंची, इसमें जो हमारी स्टार्टिंग साइज़ की स्टार्टिंग हो जाती है 4 इंच, ये 3 लेयर वाला है। अगर आपको बनाना है तो इसमें जो हमारे साइज आते हैं 4 इंची, 6 इंची, 8 इंची चौड़ाई के हिसाब से जो साइज़ आते हैं हमारे, उसमें 10 इंची, 12 इंची इस तरीके से भी साइज आते हैं। ये अपना सिंक के नीचे है, डस्टबिन लगाना आपको, तो डस्टबिन इस तरीके से दे सकते हैं। ये अपना डस्टबिन होल्डर जो हमारा लगाया जाता है तो इसी के अंदर इसी साइज़ की बाल्टी आ जाती है, तो इसमें आप इस तरीके से लगा सकते हैं। जैसा आपको ये लगाया जाता है डोर्स के अंदर ही, और उसमें हमारा ईजी भी रहता है, बढ़िया भी रहता है। आपको बनाना है किचन तो इस तरीके से हमारा किचन बन जाता है। और इसमें ये हमारा दो लेयर वाला है प्लाउट, तो इसमें आपका जो साइज़ है जैसे जगह आपकी बस्ती है तो 8 इंची 10 इंची का जो साइज़ बचता है तो इसमें प्लाउट लगा सकते हैं, तो हमारी इसमें जगह भी यूज़ हो जाती है और सामान के लिए ठीक भी रहता है। तो इसमें कम जगह में हमारी इस तरीके से किचन बन जाती है। तो इस किचन का जो प्राइस अगर आपको बनानी है तो ये जो प्राइस आ जाता है इसका 1000 से 1200 रुपये स्क्वायर फिट में प्राइस आता है। इस तरीके से आप किचन बना सकते हैं। तो इसका जो प्राइस था ये था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, लाइक इस तरीके से करने, और अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक दे सकते हैं। तो अच्छे अच्छे हम वीडियो बनाते रहते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। अपना रखिए ख्याल, थैंक यू फ्रेंड।